हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई दीक्षा पर। जैसा कि आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ पे टॉपिक वाइज जीए और जीएस आपको तैयार कराई जाती है क्विज के फॉर्म में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको क्विज के फॉर्म में तैयार कराई जाती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का सेकेंड पार्ट। ज्योग्राफी का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, होप आपको पसंद आया होगा। तो आज हम लोग कुछ और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल शेयर्स बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज। वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है वो कौन सी दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो कितनी है, 1, 2, 3 या फिर 4? तो आंसर क्या होगा, आंसर है 3। कौन कौन सी कंट्री, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। जो माउंट एवरेस्ट है वो कौन से देश में है, भूटान, चाइना, इंडिया या फिर नेपाल? तो आंसर क्या है, नेपाल। मध्य प्रदेश शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हाउ मेनी स्टेट। मध्य प्रदेश कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, 3, 4, 5 या फिर 6? तो आंसर क्या है, 5। इन इंडिया हाउ मैनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंडिया में ऐसे कितनी स्टेट्स हैं जो समुद्र तट से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, 7, 8, 9 या 10। तो आंसर क्या होगा, 9 ऐसी स्टेट्स हैं जो समुद्र तट से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन इज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट का एरिया, जंगल वाला एरिया, गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा या तमिलनाडु? तो आंसर क्या है, गुजरात में सबसे ज्यादा, ठीक है। व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव। दमन और दीव को क्या सेपरेट करता है, नर्मदा नदी, गल्फ ऑफ खम्बाट, गिर हिल्स या ताप्ती रिवर? तो आंसर क्या होगा, गल्फ ऑफ खम्बाट। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी आइलैंड। लक्षद्वीप जैसे आप सब जानते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, तो उसमें कितने सारे और आइलैंड का ग्रुप है, ठीक है, 22, 25, 35 या 36? तो आंसर क्या है, 36। द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज। तो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन, अभी हम लोग देखा जो फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक थी वो कौन सी थी, माउंट एवरेस्ट। तो सेकेंड हाईएस्ट पीक कौन सी होगी, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू या नंदा देवी? तो आंसर होगा माउंट केटू। पहले इसको हम लोग मानते थे कि ये इंडिया में है, लेकिन अब ये पीओके में है, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज। लक्षद्वीप की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, ऐजवाल या कवरती? तो आंसर क्या होगा, कवरती। द कैपिटल ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। दादरा, नगर हवेली, कवरती या सिलवासा? तो आंसर क्या होगा, सिलवासा, ठीक है। द काराकोरम हाईवे कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज। जो काराकोरम हाईवे है वो कौन से दो देशों को कनेक्ट करता है, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान या चाइना या पाकिस्तान? तो आंसर क्या है, चाइना और पाकिस्तान कौन कनेक्ट करता है, काराकोरम हाईवे। The hill range that separates the state of Manipur from the state of Nagaland is known as। जो मणिपुर और नागालैंड को जो इस हिल रेंज सेपरेट करती है उसका नाम पूछा है। तो देखिए, अराकन हिल्स, पटकाई हिल्स, बरेल हिल्स या मणिपुर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर देखते हैं, बरेल हिल्स, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन डिमार केट्स द बाउंड्री बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन इन कौन से दो देशों के बीच की बाउंड्री है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना या इंडिया बांग्लादेश? आंसर क्या है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की एक बाउंड्री है जिसको क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। डूरंड लाइन डेमोक्रेट्स द बाउंड्री बिटवीन। अब डूरंड लाइन ये किसके बीच की है, इंडिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान चाइना या इंडिया एंड बांग्लादेश? तो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और आजादी से पहले
1947 से पहले ये थी अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। इन विच स्टेट इज गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक कौन से स्टेट में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राजस्थान। माउंट आबू का नाम सुना है ना, तो माउंट आबू इसी पे है, गुरु शिखर पीक पे। वेयर आर द शिवरॉय हिल्स लोकेटेड? शिवरॉय हिल्स कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु? तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु में। नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ? नंदा देवी पीक, इसका नाम सुना होगा आपने, तो ये कौन से हिमालय से रिलेटेड है? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या पंजाब हिमालय? तो आंसर क्या है? कुमाऊं हिमालय। जॉर्जिला पास कनेक्ट, जॉर्जिला पास एक जो टनल है वो किसको कनेक्ट करती है? कश्मीर, तिब्बत, नेपाल, तिब्बत, ले, कारगिल या ले एंड श्रीनगर? तो आंसर क्या है? ले एंड श्रीनगर को कनेक्ट करती है जॉर्जिला पास। ये एक बाई डायरेक्शनल टनल भी है, अगर आप करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि जॉर्जिला एक बाई डायरेक्शनल टनल है जो एशिया में सबसे बड़ी है शायद से, ठीक है। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन? हिमालय का एक्सटेंशन जो कि अराकन योमा के नाम से जाना जाता है वो कहाँ पे है? कश्मीर, नेपाल, बलूचिस्तान या म्यांमार? तो आंसर क्या होगा? म्यांमार में। द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड इज? तो ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर में लार्जेस्ट वेस्टलैंड एरिया है, जो सबसे ज्यादा वेस्ट पड़ा एरिया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या राजस्थान, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा राजस्थान, ठीक है। वो इसमें लगाना मैं भूल गया, बट इसका आंसर होगा राजस्थान। चलिए इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। होप आपको सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं अगले सेशन के साथ। ओके, थैंक यू।